गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, बस गेट बंद करो। ये नजारा है राजस्थान की हॉट सीट में शुमार बाड़मेर जैसलमेर के हाबूर पूनम नगर बूथ का। ये वीडियो बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने शेयर किया है और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूँ राजेश शर्मा। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी बिहार समेत 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर भी शामिल है। इस सीट में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी चुनाव में गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बायतू विधानसभा के अंदर मेरे एजेंटों को बूथों से बाहर निकाला जा रहा है और वोटिंग मशीन पर मेरे नाम पर पट्टी लगाई जा रही है। ये कैसा लोकतंत्र है? आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है? रविंद्र सिंह भाटी ने गंभीर आरोप लगाने के अलावा बाड़मेर पुलिस के साथ हो रही बहस का वीडियो भी शेयर किया है, जो आपने वीडियो के शुरुआत में देखा। इसके अलावा उन्होंने एक बुजुर्ग महिला मतदाता का वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जैसलमेर विधानसभा के बूथ संख्या 36 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राघवा में मेरे क्षेत्र के मतदाताओं के साथ हो रहा इस तरह का सौतेला व्यवहार निराशाजनक है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, कृपया इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। इस वीडियो में महिला क्या कह रही है वो सुन लीजिए। वोट देवन गया था मई गणतन हुआ की बाहर काटा क्यों बाहर काटा की पूछो हाँ ठीक है वोट को देवण तुम बाहर काटे वोट देवन दी को ठीक है कैसा बोलो रविंद्र सिंह भाटी की ओर से लगाए जा रहे इन आरोपों पर अब पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पुलिस ने रविंद्र भाटी की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस व प्रशासन ने कहा है कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। पुलिस मोबाइल पार्टी सुपरवाइजरी अधिकारी लगातार बूथों का भ्रमण निरीक्षण कर रहे हैं। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भाजपा के कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उमेद राम वेनीवाल व निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच कड़ा मुकाबला है। रविंद्र सिंह भाटी शिव सीट से निर्दलीय विधायक है। वो पहले भाजपा में थे, जो इस बार टिकट ना मिलने के कारण बागी हो गए हैं। अब उनकी इस बगावत का असर क्या होता है, ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।